नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। आप तो जानते हैं, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड कंसल्टेशन ऑफ आयुर्वेदा, पेड कंसल्टेशन ऑफ फार्मिस्ट्री, पेड कंसल्टेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पेड कंसल्टेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी, यस यू कैन डेफिनेटली ओनली व्हाट्सएप ऑन 9226810630। नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑलवेज। कोई चिंता करने की बात नहीं, हम पामिस्ट्री सीख रहे हैं तो लोगों का हाथ देखकर ही आप पामिस्ट्री सीख सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स का हाथ देखिए, कलीग्स का हाथ देखिए, पड़ोसन का हाथ देखिए, जो चाहता है उसका। तो उसके हाथ देखने के लिए आपको दो चीज मदद साबित कर सकते हैं कि ये है लेंस। तो ये देखिए, यहाँ पर जितना छोटा छोटा रेखा है वो लेंस के द्वारा देख सकते हैं। और दूसरी चीज काम आ सकती है, हाथ धोने के बाद उस व्यक्ति पर ऐसा हाथ पोछ कर पाउडर जरा डालना, तो ये रेखाएं जो है ना वो ठीक ठाक हो जाती है, अच्छी तरह से दिखती है। मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बात, आपको हाथ देखना है तो एक्टिव हैंड देखना है। और एक्टिव हैंड का मतलब है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिस हाथ से वो व्यक्ति खान पान करती है, लिखने का काम करती है और आदान प्रदान करती है, उस हाथ को एक्टिव हैंड कहना, चाहे वो दाया हाथ हो चाहे वो बाया हाथ हो। ठीक है, आज हम रुधिर रेखा हार्ट लाइन के बारे में आगे चलकर आगे बातें करेंगे। यहां से हार्ट लाइन निकली और ये गुरु पर्वत है। रिवीजन के लिए मैं बता देता, ये गुरु फिंगर गुरु माउंट, ये शनि फिंगर शनि माउंट, रवि फिंगर रवि माउंट, बुध फिंगर बुध माउंट। ये यहां पर एक मंगल वन और यहां पर मंगल टू, यहां पर शुक्र माउंट और यहां पर चंद्रमा चंद्र माउंट है। ठीक है, तो ये रुधिर प्रेम भावना जो इमोशंस है वो जा रही है गुरु की तरफ। और गुरु होता है एक नॉलेज ज्ञान, गुरु होता है अध्यात्म, गुरु होता है आशीर्वाद, गुरु होता है लीडर, संगठन कौशल्य। तो जिस हृदय के द्वारा हम ऐसा त्रिशूल हाथ में लेंगे, त्रिशूल हाथ में लेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि उस व्यक्ति को कंट्रोलिंग पावर टू इम्प्रेस द अदर्स एंड गेटिंग देम अंडर हिज ओन इन्फ्लुएंस, दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल के उसके मन को जीत लेना, ये उनकी स्पेशलिटी या खासियत हो सकती है। जैसे हमारे सब के सब संत महात्म्य जो लोग होते हैं, वो गुरु माउंट गुरु पर्वत गुरु फिंगर उनका बहुत अच्छा होता है। लीडर्स जो होते हैं उनके भी गुरु माउंट अच्छे होते हैं, तो ये दूसरों को प्रभावित कर देते हैं और उनके ऊपर अच्छी तरह से नियंत्रण संगठन बनाने की कोशिश करते हैं। स्लाइड नंबर टू, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। अभी ये यहां से चलकर आगे जो कुछ डिसीजेस मैं बताऊंगा, तो डिसीजेस के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि पामिस्ट्री सीखते समय कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और कभी भी किसी को भी आप अपमानित नहीं कर सकते, उसकी निराशा नहीं कर सकते, उसके जीवन में आनंद देने का काम आप मार्गदर्शन के लिए एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दीज आर ओनली गाइडलाइंस। आखिर में तो हमारी कर्तृत्व और परमेश्वर की कृपा ये तो आखिर में होती है, मतलब यही फाइनल है। फिर हम क्या कर सकते, सिर्फ यही है करके थोड़ा सा गाइडलाइंस उसको सुझाव दे सकते हैं। तो जब शुरुआत में यव साइन है, ज्यादातर यव साइन इतना अच्छा नहीं होता बहुत जगह पर, तो ये मतलब हो गया कि ये हमारी ऊपर वाला जो है ना हिस्सा शरीर का, तो लंग्स और थ्रोट, ये गले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी। आप बोलेंगे सर, हर एक तो खांसी होती है, हर एक को किसी को तो न्यूमोनिया भी होता है, ठीक है ना भैया। तो इसी का अंदाज हम देने की कोशिश करेंगे कि आपका श्वास मार्ग का गले की खराश या खांसी या ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, ये होने की संभावना है। तो साधा एक सिंपल सा एडवाइस, सलाह क्या दे सकते हैं उस व्यक्ति को जिसकी यव साइन देखा लिया, तो आपने उसको बोलिए कि आप स्मोकिंग बिल्कुल मत कीजिए, करते हो तो तुरंत डी एडिक्शन प्रोग्राम के द्वारा वो आदत छोड़ डालो, क्योंकि नहीं तो आपको गड़बड़ी। दूसरा उसको बोल सकते हैं कि आप कभी भी क्राउडेड प्लेस पर मत जाइए। तीसरा सलाह दे सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाहे आयुर्वेद का जो आमल की हो, अश्वगंधा हो, गुड़ुची हो, इसका इस्तेमाल उसको हम बता सकते हैं। आगे चलते हैं, यव साइन के बाद थर्ड है, ये जो हमारी हृदय रेखा है पूल्ड, उसको खींचा गया है रवि माउंट की तरफ, तो उसका मतलब है फ्रेंडशिप विद द रवि प्रिडोमिनेंट पर्सन, जो अलग उसके परिवार में होगी, रिश्तेदारों में होगी,
या ऑफिसेस, कॉलेजेस में, मित्र परिवार में, जहां पर भी जिस व्यक्ति के हाथ में रवि का प्राबल्य है, उस व्यक्ति के साथ इसका मेलजोल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रही है। रवि वाली व्यक्ति इस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रही है, भावना के द्वारा खींच रही है, प्रेम भावना के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 4। यहां पर देखिए, कट्स टू द ब्रेन लाइन, ये हृदय रेखा नीचे जाकर हमारी मस्तिष्क रेखा को, हेडलाइन को कट कर रही है, तोड़ रही है। तो इसका मतलब होता है कि मेंटल प्रॉब्लम और एक्सीडेंट। हाँ, क्योंकि भावना ज्यादा बढ़ने के कारण वो अटैक कर रही है ब्रेन का इंटेलिजेंस, तो विचार चुक जाएंगे, विचार फेल हो जाएंगे, और उसके द्वारा कुछ ना कुछ अपघात होने की संभावना है। जैसे कि आप रेस लगाने की बात करते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, भावना का ज्यादा कब्जा हो जाता है, वो क्यों फास्ट चला रहा है, मैं भी गाड़ी फास्ट चलाऊंगा और उसको ओवरटेक करूंगा, तो ये भावना ज्यादा हो गई। उधर ये नहीं देखा गया कि ये ओवर, क्या बोलते हैं ना, ओवरटेक करने की जरूरत है क्या, मैं उतने जल्दबाजी में हूं क्या, ओवरटेक करने के लिए रास्ता अच्छा है क्या, कोई नहीं दिखा जाता। भावना, अहंकार, ईर्ष्या, ये ज्यादा काम करती है हमारी ब्रेन की ऊपरी भाग में, मतलब इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है। हाँ, भावना काम ज्यादा कर रही है, तो मेंटल प्रॉब्लम डेफिनेटली आने वाले हैं। उस व्यक्ति को जब भावना ज्यादा हो जाएगी, तार्किकता चली जाएगी, बुद्धि चली जाएगी, तो एक्सीडेंट तो होगा, फिर जीवन व्यापार में भावनिक एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। कभी कभार एक दूसरे को, मन को न संभालने से फैमिली प्रॉब्लम आ सकते हैं, पति पत्नी में दुराव आ सकता है, बच्चों के साथ झगड़े हो सकते हैं, माता पिता के साथ कुछ झगड़े हो सकते हैं, ये बिकॉज भावना के ऊपर जो संतुलन चाहिए। एक देखिए ध्यान से, दोनों अच्छी चीजें हैं, हमारी लॉजिक, हमारी बुद्धि एक तरफ है और दूसरी तरफ हमारी भावना है, दोनों का हमारी जीवन व्यापार में महत्व है, जिसको इंटेलिजेंट क्वोशंट एंड इमोशनल क्वोशंट ऐसे बोलते हैं, IQ एंड EQ। जब ये बैलेंस चला जाएगा तभी ये गड़बड़ी होगी, जैसे कि उसको डिप्रेशन आ सकता है, अपेक्षा भंग हो जाएगा, वो बोलेगा इतना मैं उसके साथ प्यार करती हूँ, लड़की बोलेगी, और वो चला गया मेरे को छोड़कर, तो ये क्यों हो गया, भावना ज्यादा प्रबल हो गई। हाँ, दूसरे को कब्जे में लाना, ये ज्यादा प्रभावित हो गया, इंटेलिजेंस उस तरफ थोड़ा सा पीछे रह गया। आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, स्लाइड नंबर 5। ये देखिए, यहां पर जो है ना, बिल्कुल शॉर्ट ये हार्ट लाइन है, तो मतलब इसका जो भावना का जो विस्तार होना चाहिए, सभी प्रकार की भावना का संतुलन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, और उसके मन में प्रेम प्रेम प्रेम, सेक्स सेक्स सेक्स, यही भावना प्रबल हो रही है, क्योंकि शॉर्ट ये हार्ट लाइन है। तो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर लाइक अ बिस्ट, पशु की तरह उसको जो लैंगिक भावना है, वो पशु की तरह उसके जीवन में कभी कभी स्पीड ब्रेकर, मतलब रुकावट ला सकती है और उसको प्रभावित कर सकती है, उसके द्वारा उसका नुकसान होने की भी संभावना है, उसको हमें सावध करना चाहिए। स्लाइड नंबर 6। लाइन फ्रॉम द वन एंड ऑफ द पाम कॉर्न, ये देखिए कितनी लंबी है। अभी थोड़ा सा एक कलरफुल मार्कर हमेशा की तरह ले लेता हूं, उसके द्वारा ये समझ में, यहां से लेकर ये हार्ट लाइन है, ये देखिए, ये पूरे की पूरे, जैसे ये ब्रेन लाइन भी हो सकती है कभी कभार, हाँ फिलहाल एक ही होती है पूरी पूरी की तरह, तो इसका मतलब है ये भावना अति हो गई, पहले बहुत कम थी, वो भी डेंजरस है। हमेशा ये ध्यान में रखिए, हमारे जीवन में ना गोल्डन मीन चाहिए, सुवर्ण मध्य, ऐसा हिंदी मराठी में कहते हैं, गोल्डन मीन, बैलेंस जैसा रहता है ना, बैलेंस मालूम है ना आपको, बैलेंस, तो ये दोनों बाजू जब इक्वल रहेंगे तो एक हमारी संतुलन जीवन बन सकता है, पर बहुत छोटी है ये हार्ट लाइन, तो उसको सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो जाएगी, परेशानी आ जाएगी, और ये ज्यादा भी है, इतनी ज्यादा भावना, ये देखिए इंटेलिजेंस थोड़ा सा उससे कम पड़ गया है। हा? तो अगेन, जब भावना ओवर पावर करेगी, हमारी बुद्धि को पराजित करेगी ये भावना, तो भी तकलीफ देने वाली चीज है, तभी हो गया सॉरो इन द लव अफेयर्स, प्रेम प्रकरण में उसको निराशा आने वाली है, क्योंकि वो दिमाग से कम सोच रहा है और भावना से अधीन हो गया है वो, उससे उसको निराशा आने वाली है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 7। ये देखिए, डाउनवर्ड स्मॉल लाइंस फ्रॉम द हार्ट लाइन, ये मैं हमेशा कहता आया हूं कि जब लाइंस ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर मतलब थम्स अप होता है, और नीचे जाती है तो थम्स डाउन होता है ना, आप तो जानते ही, ये तो थम्स अप अच्छा होता है, थम्स डाउन इतना अच्छा नहीं होता।
फॉर्चुनेटली जो मेरे कमेंट्स आते हैं, जो मेरे वीडियो के ऊपर आते हैं ना, मैं बहुत आपका दिल से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आप सब लोग मेरे को थम्स अप देते हैं, बोलते हैं सर बढ़िया काम कर रहा है। तो ऐसे ही आपके आशीर्वाद रखिए। ये देखिए यहाँ पर भावना का क्या हो गया, बिमोड हो गया, सब नीचे चला जा रहा है। जो अपेक्षा है प्रेम की तरफ वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसका मतलब उसको प्रेम भावना में ये थोड़ा सा बाधा आ सकती है, दुखी हो सकती है वो व्यक्ति प्रेम प्रकरण में, और उसको कभी कभार फैमिली लाइफ में डाइवोर्स या सेपरेशन की भी संभावना हो सकती है। होने वाला 100% है ऐसा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा होलिस्टिक पामिस्ट्री का स्टडी करने के बाद ही ये हम बता सकते हैं। स्लाइड नंबर 8, ब्रांच गोइंग टू द शनि माउंट एंड टर्निंग लाइक अ हुक। ये देखिए जब हम यूटर्न लेते हैं ना कभी कभार भी, वो इतना यूटर्न जीवन में ज्यादा प्रगति के लिए अच्छा नहीं होता। यूटर्न का मतलब आप जा रहे हैं और मुड़ के वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि लव विथ ए रॉन्ग पर्सन। हाँ, ये शनि जो है, अगेन शनि इज अ हर्डल, शनि संघर्ष करवाता है हमें, और शनि के द्वारा हम ज्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये लव अफेयर जो है, प्रेम भावना हार्ट की, वो जा रही थी शनि की तरफ फिर मुड़ गई, मतलब थोड़ा सा फेल्योर आ गया इसमें। तो लव विद द रॉन्ग पर्सन, गलत पुरुष हो या स्त्री हो, गलत व्यक्ति के साथ उसका संबंध आ गया और उसमें जीवन में एक प्रकार की रुकावट आ गई। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए स्लाइड नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं। ब्रांच टू द बुध माउंट एंड टर्निंग बैक लाइक द हुक। हमेशा हुक जो होता है ना, वो थोड़ा सा तकलीफ देने वाली साइन है, ये रेयर होती है, ऐसा कॉमन नहीं है। आप बोलेंगे सर इतने सारे मैंने हाथ देखे, एक के ऊपर भी ऐसा साइन नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो अच्छा है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब के सब साइंस आपको मिल जाएंगे। कभी कभार इतना वास्ट वो साइंस होती है, शास्त्र होता है, कि कई कभार कई चीजें हमें से नहीं देखी जा सकती ना। हमारे इतने सारे डिसीजेस पढ़ाते हैं हमारे जो मेडिकल स्कूल होती है, मेडिकल कॉलेजेस होती है, इतने सारी बीमारियां पढ़ाते हैं, तो हर एक पेशेंट हम देख सकते हैं, हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, नहीं देख सकते कई डिसीजेस। तो इसका मतलब ऐसा नहीं वो पढ़ना ही नहीं है, और तो पढ़ना ही है। तो ये देखिए यहाँ इंजुरी टू द लेग, तो ये सब विषय रिसर्च के हैं, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं जिन व्यक्ति को पाँव को, हाँ लेग्स को कुछ एक्सीडेंट हो गया, इंजुरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, उन व्यक्ति का हाथ देखिए, और ज्यादातर ये साइन देखने को मिलती नहीं मिलती, ऐसा कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इंजुरी टू द लेग मतलब लोअर हमारे जो पाँव हैं, पैदल हैं, उनको आइदर एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, एंकल स्प्रेन आ सकता है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो ये सब चीजें के लिए आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। टिपिकल कुछ लक्षण है, हर एक का लॉजिकल हमें ये नहीं दे सकते, कि स्पष्टीकरण बोलते हैं ना, लॉजिकल स्पष्टीकरण कई कबार नहीं दे सकते। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 10 पर जाते हैं। टू पैरेलल लाइंस गो टू द मून माउथ। ये देखिए भावना चली गई अतिरिक्त कल्पना के पास। यहाँ कल्पना लड़की का नाम नहीं है, कल्पना शक्ति मतलब चंद्र माउंट। ये गुरु माउंट है, ये शनि माउंट, रवि माउंट, बुध माउंट, मंगल वन, मंगल टू, शुक्र माउंट और चंद्रमा। तो चंद्रमा एक तरफ से अच्छा भी है, प्रेम का वह कारक है। हाँ, प्रेम हमें जागरूक कर देता है। फिर ये कल्पना रम्यता जिसमें है, तो चंद्रमा कभी कभार, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वास्तव से वो टूट जाता है, अनरियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक अप्रोच हो जाता है। मतलब जैसे व्यवहार से हमें चलना चाहिए, प्रेम प्रकरण में, नौकरी धंधे में, वो भावना से चलती है व्यक्ति, पूरी की पूरी भावना से चली तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो यही वहीं पर हो गया कि उसकी भावना अतिरिक्त कल्पना में डूब गई, वास्तव से बाहर चली गई, तो इसके द्वारा उसको मेंटल स्ट्रेस आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो भावना कहाँ जा रही है मिलने के लिए, चंद्रमा को मिलने के लिए, और चंद्रमा कभी कभार क्या करेगा, आपको ज्यादा इमोशंस में खो देगा। डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, बैठे बैठे कुछ सपने देखना और उसमें ही डूब जाना, ये कई कभार गलत हो सकता है। तो उसके द्वारा उसको मेंटल स्ट्रेस आने की, मानसिक तान तनाव। स्लाइड नंबर 11, ये हार्ट लाइन नीचे से आकर एंड्स ऑन द ब्रेन लाइन। तो इसका मतलब लॉजिकल थॉट्स मोर प्रोमिनेंट देन द इमोशंस, ये सरेंडर जैसा है, सरेंडर। भावना ने क्या किया, भावना मतलब भावना, ये हार्ट लाइन वाली बात मैं कह रहा हूं, ये भावना ने हृदय, सॉरी हृदय
हेडलाइन जो है उसके ऊपर ऐसा माथा टेक दिया, चलो भाई मैं आपके सामने सरेंडर हो जाती। तो इसका मतलब यह हो गया कि उस व्यक्ति में इंटेलिजेंस को ज्यादा महत्व आ गया, लॉजिकल थॉट्स को ज्यादा प्रिडोमिनेंट हो गए रादर देन द इमोशंस। फिर ये भी बहुत ज्यादा होने से तकलीफ होने की संभावना है। कभी बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ती है, कभी भावना इस्तेमाल करनी पड़ती है। हार्ट लाइन एंड्स एट द रवि माउंट, ये रवि माउंट है, तो इसका मतलब रवि तो कला का कारक है, रवि सूर्य है, रवि एनर्जी है। और ये एनर्जी किसके लिए है? 64 कला, चाहे पेंटिंग, नृत्य, आर्टिस्टिक, रवि के द्वारा ही हमें नेम, फेम और मनी मिलता है, नावलौकिक मिलता है, पैसा मिलता है, हाँ ये सब चीजें मिलती, कीर्ति मिल जाती है। तो इसके लिए ये भावना जो है ये रवि की तरफ, रवि के यहाँ जाकर रुकी, मतलब ये स्टेशन उसको अच्छा लग रहा है। कौन सा वाला स्टेशन? रवि माउंट वाला स्टेशन। तो यहाँ रुकने से वो भावना पर ये इसका प्रभाव पड़ जाएगा। आर्ट, आर्ट का मतलब कला, वांग्मय, लिखान, कविता, ये सब आ जाते। ब्यूटी, हाँ ब्यूटी का भी एक प्रतीक है, अट्रैक्शन ऑफ द आर्ट। उस व्यक्ति को ज्यादातर, ये लेडीज हो सकती है, तो उसको ये आर्ट और ब्यूटी में ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है। स्लाइड नंबर 13 ये देखिए, एंड्स ऑन द मंगल माउंट, यहां मंगल माउंट पर खत्म हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि टेंडेंसी ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता रखने में इस व्यक्ति को दिलचस्पी ज्यादा हो सकती है। कोई भी चीज है ना, ओपन नहीं हो जाएगा वो, भावना ऐसे सबको नहीं बता देगा, मन के मन रखेगा और अपने आप को दबा के रखेगा। क्योंकि मन का मंगल जो है वो ऐसा भी है कि पूरी ताकत के द्वारा काम करता है, तो भावना के ऊपर वो काबू करेगा, ताबा रहेगा और वो बाहर ओपन नहीं हो जाएगा। तो टेंडेंसी ऑफ सीक्रेसी, अपनी भावना और अपनी जो प्लान्स है, जो एक्टिविटी है, वो छुपाने की वो कोशिश करेगा। स्लाइड नंबर 14 ये देखिए, हार्ट लाइन जो है अगेन गोइंग टू द मून माउंट। मैंने बोला ना कि भावना जब मून को सरेंडर करेगी, अतिरिक्त कल्पना को सरेंडर करेगी, वास्तवता से दूर जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। उस व्यक्ति के द्वारा जेलसी, मत्सर, दूसरे व्यक्ति के जो प्रगति हो रही है उसके ऊपर उसका मच्छर जागृत, मत्सर जेलसी जागृत हो जाएगी जब ये हार्ट लाइन कमिंग टुवर्ड्स द चंद्रमा माउंट। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 15। ओके, एंड्स ऑन द, ये देखिए यहां से मुड़कर आ गया शुक्र माउंट के ऊपर आ गए। हाँ तो ये जरा डेंजर हो गया, उसका सीधा रास्ता कौन सा है? इधर से निकले यहां तक आ जाने का है ना, तो इधर से निकल कर यहाँ खत्म होने की चांसेस है। तो ये नहीं हो रही है, क्या हो रही है? वो मुड़ रास्ता छोड़कर अंदर घुसकर आ रही है। तो ये अंदर घुसने के क्या कर रही है वो? ये हेडलाइन को डैमेज कर रही है और लाइफ लाइन को भी डैमेज कर रही है। हमारी भावना हमारी बुद्धि को खराब कर रही है और हमारी जीवन को भी खराबी कर रही है। तो इसका मतलब ये जब शुक्र माउंट की तरफ आ जाएगी, मैं भाग जाती हूं उस लड़के के साथ, हाँ ऐसी कुछ लड़की बोलेगी, तो इसका मतलब ऐसा हो गया, क्या हो गया कि भावना के द्वारा वो प्रेम प्रकरण में पूरी की पूरी क्या हो गई, बह गई। तो ये ऐसा बहना अच्छा नहीं है, प्रेम में बह जाना, हाँ, टू थ्रो अवे योर सेल्फ विथ ओनली थिंकिंग विद द इमोशंस इज नॉट करेक्ट। यू शुड ऑल्सो एक्ट बाय द ब्रेन ऑल्सो, हमारी बुद्धि भी उधर देखना चाहिए क्या गलत है क्या सच है वगैरह, तो वो नहीं देखती। तो इसके द्वारा हमारा ब्रेन भी खराब हो जाएगा, बुद्धि निकल जाएगी, कोई सोच नहीं रहेगी, हाँ अच्छा बुरा कोई नहीं सोचेगा वो, और उसके द्वारा जीवन में भी कुछ निराशा आ सकती है और जीवन में कुछ हर्डल्स भी आ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आखिरी वाली स्लाइड, स्लाइड नंबर 16, एंड्स ऑन द हर्षल माउंट। तो हर्षल माउंट पर जब ये भावना एंड हो जाएगी, तो ये मतलब उसका क्रोधी स्वभाव प्रतीत करती है, क्रोधी स्वभाव दर्शाती है। उसका कारण कोई स्पेसिफिक नहीं है, फिलहाल ये भावना जब हर्षल माउंट से कनेक्टेड रहती है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के द्वारा जरा ज्यादा तीखापन ब्रेन के द्वारा दिखाया जाएगा और बार बार वो एंग्री, मतलब एंग्री यंग मैन हो सकता है, एंग्री यंग वुमन भी हो सकती है, क्रोधित होने की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा उसके जीवन में पाई जाएगी। उसके ऊपर उसको काबू रखना पड़ेगा कुछ मेडिटेशन के द्वारा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हार्ट लाइन के बारे में मैंने करीबन चर्चा पूरी कर दी है। अगले वीडियो में अगला जो टॉपिक्स है वो लेकर हम पढ़ाई चालू रखेंगे। तो ये ऐसे पढ़ाई चालू रखने के वीडियो हमेशा की तरह लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।